Hello friends, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to teach you the concept of indifference curve in the case of substitute and the complementary curves. Let's get started, guys. So, the indifference curve in the case of substitute goods and the complementary goods. First of all, you must understand the meaning of substitute goods. Substitute goods are those two goods which are going to give you the same level of satisfaction. जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप indifferent हो, you are confused कि दोनों आपको same satisfaction देते हैं. इन दोनों goods के केस में आपका indifference curve कैसा बनेगा? Guys, your indifference curve would be a straight line downward sloping curve. What a straight line downward sloping curve. Now, let's take an example. Suppose we have two substitute goods. Best example is Pepsi and Coke. The whole world knows that they both are really very close substitute of each other. Now, what is the basic reason behind such kind of shape? ऐसी shape के पीछे क्या reason है? सबसे पहला, when the IC is straight line downward sloping, the reason is the constant MRS. What is MRS? MRS is the marginal rate of substitution. Reflects what? It basically states that if you want to increase the consumption of one good, then you have to decrease the consumption of another. कि अगर आपको एक चीज की consumption बढ़ानी है, तो दूसरी चीज की consumption को आपको compromise करना ही पड़ेगा. So, that MRS basically a sacrificing ratio. What a sacrificing ratio. ये sacrificing ratio का formula क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए. The formula for the MRS is delta loss by delta gain. That आपने क्या additionally lose किया, divide by क्या additionally आपने gain किया. तो वही कि कुछ additionally पाने के लिए आपको कुछ additionally खोना भी पड़ेगा. फाइन, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं. नाउ कांस्टेंट एमआरएस ऐसा ही आपको शेप क्यों देता है? अब जरा ध्यान से इस स्केड्यूल के ऊपर आप फोकस कीजिए. नाउ मैं यहां पर एक स्केड्यूल प्रिपेयर करने वाला हूं गाइस. अगेन यू हैव टू गुड्स, पेप्सी एंड कोक, और यहां पर मैंने आगे लिया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ पेप्सिको, लेट्स से कि आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू हैव जीरो पेप्सी एंड फाइव कोक. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं आप और आपके फ्रेंड का. आपके पास और आपके फ्रेंड के पास पेप्सी और कोका कोला दोनों की एक स्टैंडर्ड यूनिट्स की बॉटल है, लेट्स से 2 लीटर वाली बॉटल. तो आपके और आपके फ्रेंड के पास 2 लीटर्स वाली बॉटल है पेप्सी की और कोका कोला की. अब अगर मैं आपके और आपके फ्रेंड के बीच में ट्रेडिंग करवाना स्टार्ट करूं, तो आपके पास इस टाइम पर 5 कोक की बॉटल है एंड 0 पेप्सी की बॉटल है. तो यानी कि आपके पास 5 कोक की बॉटल है 2 लीटर्स वाली और 0 पेप्सी की है, और आपके फ्रेंड के पास सारी पेप्सी की बॉटल्स है. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपने फ्रेंड को 1 कोक की बोतल देनी है, तो आपके पास कितनी कोक रह जाएंगी? 4. आपका फ्रेंड इन एक्सचेंज कितनी पेप्सी की बोतल देगा? 1 ना. कि अगर आपने 2 लीटर वाली 1 कोक की बोतल अपने फ्रेंड को दी, तो आपका फ्रेंड भी तो 2 लीटर वाली 1 ही बोतल देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. तो आपके पास से अगर 1 कोक गई, तो 1 पेप्सी आपको गेन होगी. सिमिलरली आपने अपने फ्रेंड को 1 और कोक की बोतल दी, तो आपके पास 3 बॉटल्स रह गई और वो आपको 1 और पेप्सी देगा. तो अब आपके पास पेप्सी की बोतल कितनी होगी? 2. सिमिलरली ट्रेडिंग को हम आगे बढ़ाते हैं. आपने 1 और कोक की बोतल दी, 1 और पेप्सी गेन करी. 1 और कोक की बोतल दी, 1 और पेप्सी गेन करी. 1 और जो फाइनल आपके पास लास्ट बोतल बची थी, वो भी आपने दे दी, तो आपके पास पूरी 5 पेप्सी की बोतल्स गेन हो गई. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी एमआरएस, जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि एमआरएस का अपना एक फॉर्मूला होता है. This is the formula for the MRS, delta loss by delta gain. So in our case, what you are losing? You are losing Coke. What you are gaining? You are gaining Pepsi. So MRS, as you can see, it talks about the change. Change hamesha second value se monitor kiya jata hai. So MRS ki first value is dash. So kitni Coke ki bottle lose kari? 1. Aur kitni Pepsi ki gain kari? Again 1.
एक ही बॉटल आपने गेन करी, तो डेल्टा लॉस यानी कि वन, डेल्टा गेन दैट इज रेशियो वन, दैट इज वन बाय वन। अगेन कितनी लूज करी, वन, अगेन कितनी गेन करी, वन, एंड दिस थिंग विल गोज ऑन, दैट्स वन रेशियो वन, वन रेशियो वन एंड वन रेशियो वन। सो इट इज एज सिंपल एज दैट गाइस, कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, लाइक यहां पे पेप्सी एंड कोक, तो आप उसकी एक बोतल के एक्सचेंज में एक ही तो बोतल आपका फ्रेंड आपको देगा, है ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पेप्सी की एक बोतल उसको दे रहे हैं और वो आपको दो कोक की बोतल देगा, अगर दोनों स्टैंडर्ड यूनिट सेम है तो? ऑफकोर्स नॉट। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट के केस में आपका जो MRS है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। अगर आप ऐसे किसी स्केड्यूल को प्लॉट करेंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आप इसको प्लॉट कीजिए, ऑफकोर्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एंड अगेन यहां पे भी आईसी ऊपर बढ़ता चला जाता है, सो हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। फाइन, सो देयरफॉर इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, द आईसी आर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, द रीजन इज कॉन्स्टेंट MRS। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ऑलवेज ज्वाइंटली डिमांडेड। Jointly demanded means you cannot use one good in the absence of another. यानी कि आप उन दोनों goods को एक दूसरे की absence में use नहीं कर सकते। Best example, the world best example for this is the right shoe and the left shoe. Of course, you cannot use any one of them without having the another. इस केस में जो आपका इनडिफरेंस कर्व आपको देखने को मिलेगा, दैट विल बी ऑफ एल शेप। व्हाट एल शेप? सो दैट्स आईसी वन एंड सो ऑन, अगेन हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एल शेप्ड कर्व? इस एल शेप्ड कर्व के पीछे जो बेसिक रीजन बनता है, जो टेक्निकल रीजन है, दैट इज that there is no marginal rate of substitution. You can say over here the MRS is zero. Marginal rate of substitution बात ही करता है substitution के बारे में, यानी कि एक नहीं तो दूसरा सही। Guys, complementary goods के केस में there are no substitution. Use होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, वरना कोई भी नहीं होगा। Fine. So that is the basic meaning of MRS is equals to zero. But what is the reason behind that L-shaped curve? Why the curve is L-shaped? Just take a look. Let us mark few points on this curve. Main yahan par kuch points mark kar raha hun. Let's say that's point A, that's point B, that's point C, and that's point D. Horizontally humne ye teen points mark kar liye. Vertically bhi main kuch points mark kar leta hun. Let's say E, F, and G. Fine. Let's take a look at the point number A. Point A is reflecting what? That is one unit of right shoe and one unit of left shoe. Point B is reflecting what? Point B is reflecting one unit of left and two unit of right shoe. Point C is one unit of left and three unit of right shoe. And D, one of left and four of right. Just tell me one thing, कि क्या कोई consumer ऐसा होगा जो bundle B, C और D पर trade करेगा? क्या कोई ऐसा consumer होता है जो market में जाके demand करे कि look, I want one unit of the left shoe and four unit of the right shoe? How does it possible? Similarly, on the vertical axis, as you can see, at bundle E, the consumer is asking for one unit of right shoe and two unit of left shoe. At point F, three of left and one of right. At G, four of left and one of right. How does it possible again? So, bundle E, F or G. E, F or G, B, C and D. Ye 6 ke 6 bundles ke upar trading
consumption is not possible at all. That is why bundle A is the only combination at which a consumer is going to consume. Similarly, on the IC above, IC1, इस पॉइंट पर कंज्यूमर ट्रेडिंग करेगा, इस पॉइंट पर कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा. दैट इज वाई अ कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली एट दीज पॉइंट्स, ओनली एट दीज पॉइंट्स. सो दैट इज वाई योर इनडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर एल शेप्ड. थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द इनडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. थैंक यू सो मच.